नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। कहते हैं इंसानियत दुनिया को चलाने वाला शब्द है और इंसानियत पर ही दुनिया कायम है, और जब इंसानियत को शब्द में पिरोया जाता है तो ये और भी खूबसूरत हो जाता है, जो लोगों में इंसानियत के जज्बे को भर देता है। दरअसल आज मौका है हज़रत अली के जन्मदिन का। हज़रत अली पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद थे और शिया मुसलमानों के पहले इमाम थे। हज़रत अली को मुस्लिम समुदाय में चौथे खलीफा के रूप में भी जाना जाता है। आज के दिन सभी मुसलमान एक दूसरे को हज़रत अली के जन्मदिन की बधाई देते हैं और उनके कहे गए वचनों को याद कर उन पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हज़रत अली लोगों को शांति और अमन का पैगाम दिया करते थे और यही वजह है कि आज के इस खास मौके पर इंसानियत और फ़र्ज की बात करने से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। समाज में शांति और अमन का पैगाम देने वाले हज़रत अली का जन्म सऊदी अरब के पवित्र मक्का शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम अबू तालिक और माता का नाम फातिमा बिन असद था। हज़रत अली मक्का मदीना में पैदा हुए इकलौते व्यक्ति हैं। हज़रत अली को पहला मुस्लिम वैज्ञानिक भी माना जाता है। हज़रत अली सुन्नी समुदाय के आखिरी राशिदून और शिया समुदाय के पहले इमाम थे। हज़रत अली अपने उदार और दयालु स्वभाव की वजह से जाने जाते थे। अपने साहस, विश्वास और दृढ़ संकल्प के कारण उन्हें मुस्लिम समुदाय में काफ़ी सम्मान दिया जाता है। यही वजह है कि आज उनके जन्मदिन के खास मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। आपको बता दें कि हज़रत अली के जन्म उत्सव को भारत समेत विश्व के कई देशों में काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। खासतौर से शिया मुस्लिमों की ओर से इस दिन भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भारत में शिया समुदाय के सबसे बड़े केंद्र लखनऊ में इस दिन का उत्सव देखते ही बनता है। लखनऊ में बने कई इमामबाड़ों और मस्जिदों को खूब सजाया जाता है, साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। भारत के अलावा ईरान में भी इस दिन को काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हज़रत अली के जन्मदिन के मौके पर हर बार की तरह इस बार भी माँ फातिमा फाउंडेशन और मायरा फाउंडेशन के चेयरमैन समाज सेवी शबाब हाशिम ने जनपद जालौन के उरई शहर में बारगाहे बाबुल मुराद पर जरूरतमंदों के बीच फल व मिठाई वितरण कर समाज को लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। समाज सेवी शबाब हाशिम ने इस खास दिन पर अस्पतालों में जाकर मरीजों के बीच हर्षोल्लास के साथ हज़रत अली का जन्मदिन मनाया और लोगों से हज़रत अली के निर्देशों का पालन करने को कहा, जो पूरी इंसानियत को भाईचारे से जोड़ता है। मायरा फाउंडेशन और माँ फातिमा फाउंडेशन की तरफ से ज़रूरतमंदों और अस्पताल में मरीजों के बीच फल व मिठाई वितरण के समय शहर की तमाम बड़ी हस्तियाँ मौजूद रहीं। ये जो कार्यक्रम है, आज हमारे मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली की विलादत है और 13 रजब को पूरी दुनिया में उनकी विलादत मनाई जाती है, जो कि मुसलमानों का सबसे बड़ा मरकज काबा, वहाँ पर उनकी विलादत हुई थी। और हम मोहब्बान अहले बैत और जितने भी मौला अली के चाहने वाले, जितने मुसलमान हैं, हिंदू हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी मौला अली को जानते हैं, मानते हैं, पूरी दुनिया में उनके नाम का सदका बांटते हैं, लोगों को दावत देते हैं। आज जैसे हम लोग गरीबों को यहाँ पर, अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को यहाँ पर फल मिठाई बांट रहे हैं, और उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर एक साथ रहने का, खुशहाली माहौल रखने का और लोगों को प्यार मोहब्बत इल्म देने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं यहाँ पर। देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव भी करीब आ गए हैं, जिसमें आप मतदाता जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य? भाई, मतदाता जागरूक अभियान हम चला ही रहे हैं और हर लोगों से ही कह रहे हैं कि वोट जरूर डालें। वो किसी को भी वोट दें और जिसको वो चाहते हैं, जो उनको अच्छा लगता है, उसको वोट जरूर दें, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमको और आपको सुकून मिलता है कि हमने इस शख्स को चुना है और ये शख्स मेरे लिए बेहतर है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर मौला अली की विलादत के साथ साथ जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और आपके सामने हम इसको, हर बंदे को, बच्चे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, ये इसके लिए एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं यहाँ पर कि हर इंसान को वोट डालना चाहिए। आज जो कार्यक्रम किया गया, किसको लेके किया गया ये? आज हमारे मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली की विलादत है
और उसके मौके पर 13 रजब को हर साल जितने भी मौला के चाहने वाले हैं उनके नाम पे लंगर करते हैं, लोगों को मिठाइयाँ बांटते हैं, महफिल मिलाद करते हैं। तो आज जो जिनकी विलादत काबे शरीफ में हुई थी मौला मुश्किल कुशा की, पूरी दुनिया में उनकी विलादत मनाई जाती है। आज हम इसी मौके पर अपने दोस्तों को, भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, गरीब गुरबा मजलूम जो भी लोग हैं उनको हम लोग यहाँ पर फल मिठाई बांट रहे हैं। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान मास की 19वीं तारीख को हजरत अली साहब जब सुबह की नमाज पढ़ने के लिए गए तो सजदा करते समय अब्दुल रहमान नाम के व्यक्ति ने उनके ऊपर तलवार से हमला करके उनको घायल कर दिया और इस घटना के दो दिन बाद यानी रमजान की 21वीं तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आपको हम यहाँ बता दें कि विश्व को इंसानियत और फर्ज की शिक्षा देकर लोगों के दिलों पर राज करने वाले हजरत अली की नेक दिली और प्रेम भावना ही थी कि उन्होंने अपने कातिल को भी माफ कर दिया। आज भारत समेत पूरा विश्व हजरत अली साहब के जन्मदिन को काफी हर्षोल्लास और तमाम सारी खुशियों के साथ मनाते हुए उनको याद कर रहा है। इस खबर में इतना ही, बने रहिए माय भारत के साथ।